जब पूरा देश लॉकडाउन से पीड़ित है, गरीबों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश के कानपुर में थाना नवाबगंज के अंतर्गत आने वाली जागेश्वर मंडी में गुंडे या कहें या ठेकेदार किस तरह से हर किसान आदमी से अवैध वसूली करते हैं वहाँ पे सब्जी लगाने के लिए, जबकि सब्जी रोड में लगती है। अरे आज पूरा रिश्ता लागे तुम लोग, क्या माल उठाना है अभी, माल बंद कर देखे दे आज वो ग्रामीण वाली खत्म करो। अब तू जब तक पास नहीं हो तो मार जा, खुद ही तो आ जा, खुद ही तो आ जा, अच्छी ना बरसा लो बता करो आ जाने को। आपने देखा किस तरह से ये बाबा रूपी गुंडा, जो कि देखने को तो साधु संत है किंतु पूरी तरह से गुंडे का ही रूप है, हाथों में पर्ची लिए हुए हर आने जाने वाले रिक्शे को और जो साइकिल तक से सब सब्जियां ले जा रहे हैं उनको तक को ये पर्ची पकड़ाता है सबको और सबसे पैसा वसूलता है, और ये सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे होता है। सामने आप देखेंगे कि रिक्शे के बगल में वो दो पुलिस वाले बैठे हुए दिख रहे हैं, बकायदा इस तिराहे पे पुलिस की ड्यूटी है, उसके बाद भी उन मिली भगत है और साथ में पैसा वसूला जा रहा है। आप देखिए और आगे हर गाड़ी से जाने वाले को जो भी सब्जी ले जाता है सबसे 20-20, 40-40 रुपए लिया जा रहा है, 500 की तादाद में कम से कम यहाँ सब्जी वाले लगाते हैं, सभी से पैसा लिया जाता है। देखिए इस रिक्शे वाले को ज़बरदस्ती रुका रखा गया बीच में, और ये देखिए जो यहाँ पे ठीक तिराहे पर ये लोग पूरा गुंडों की तरीके से खड़े हैं पूरा गैंग, ये यहाँ पे आपको दो स्कूटियाँ दिख रही हैं, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी, अभी आपको दिखेगी। ये देखिए साइकिल इस रिक्शे वाले को रोक रखा गया है ज़बरदस्ती, जब तक ये पैसा नहीं दे देगा जब तक इसको नहीं जाने देंगे। और ये जो स्कूटी दिख रही है आपको और एक मोटरसाइकिल, ये देखिए बाकायदा कुर्सी डालकर यहाँ पर बैठते हैं ये लोग, ये पैसों से भरा बैग कुर्सी पर रख दिया गया, और इस यहाँ पे 5-6 लोगों का पूरा ग्रुप रहता है जो कि हाथों में डंडा वगैरह लिए बकायदा खड़े रहते हैं, एक भी गाड़ी वाला यहाँ पे सब्जी लेके नहीं जा सकता है। और सामने ही वो कुर्सियों पर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, वो देखिए पीछे दो दज्जैन इंटरनेशनल के बोर्ड के नीचे ही डाले बैठे, कितनी पास की डिस्टेंस है, मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं है, 50 मीटर बहुत ज़्यादा है, 20 मीटर भी नहीं है, किंतु देखिए बीच रास्ते में गाड़ी रोक लिया गया, पुलिस को कोई फर्क नहीं है, पुलिस भी पूरा साथ देती है। ये 5-6 लोग यहाँ रहते डंडा लिए बकायदा, ये साधु यहाँ खड़ा रहता है, कोई नहीं जा सकता। पहले बता रहे हमारे पास है नहीं, हमको कहा गोपाल बताइए चाहिए तुम्हें, हमारे पास है जो दे दे। जब निकल रहे हो तो पैसा लो, क्या यहाँ पैसा भी लेते हैं क्या, कितने रुपया हर गाड़ी से? गाड़ी के हिसाब से जितना सामान होगा उस हिसाब से। गाँव मराओ मल में नहीं, मैं गाँव मराना मरा डेली रहे, तो पैसा जाता कहाँ है? जेब नहीं कहाँ जाए नहीं, कौन लेता है? ठेकेदार यहाँ का मंडी का, फिर तो रोड वाला है, रोड वालों से तो नहीं लेना चाहिए। इतने भी हैं सब साइकिल वाले का तो छोड़ते नहीं, नहीं तो अब तो मंडी रोड में लगने लगी है तो अब तो ना लेना चाहिए। अब ये जगह कहाँ इनकी है? देखो भाई
तो क्यों ये पर्ची अब बेकार हो जाएगी, आप हमें दे दोगे ये पर्ची जरा? कहाँ कहाँ वसूली? कहाँ भी जाएंगे, घर जाएंगे, घर पर्ची ले जाएंगे। पर्ची लेते हैं? अच्छा, इधर तो हमें लगता कोई नहीं है। नहीं नहीं, इस रास्ते से तो कोई नहीं है, हमें लगता है। अच्छा, आप पीछे जाओगे तो वहाँ पे एक एक आदमी खड़ा होगा इनका। अच्छा, आपको नहीं देते हैं? अच्छा, इसका भाड़ा उसने दे दिए पैसे। अच्छा, आगे रख ले साला, क्या करना। तो आपने देखा कि जब पैसा यहाँ पे दे दिया तभी यहाँ से गाड़ी इन्होंने जाने दिया, और इतना ही नहीं, तीनों रास्तों पे इनके आदमी खड़े रहते, जो बाहर निकलते वक्त भी पर्ची को चेक करते, बिना पर्ची के नहीं निकलने। और ये देखिए, जागेश्वर तिराहे पर ही पुलिस वाले कुर्सी वाले बैठे हुए हैं, 3-4 पुलिस वाले बैठे हैं। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगर मंडी की तरफ को, तो मात्र मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे ही, और आगे यहाँ पर भी 3-4 पुलिस वाले बैठे हैं। क्योंकि कोई नहीं बोलता है, क्योंकि सभी को पता है कि वसूली होती है। अब पता नहीं इसमें पुलिस का हिस्सा रहता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी आंख बंद किए रहता है। इस बात का मुझे दुख है, इस लॉकडाउन में पूरी गरीब पूरे लोग पूरे देशवासी गरीबों की मदद कर रहे हैं, जिससे जो हो पा रहा है, लोग खाना दे रहे हैं गरीबों को, किराएदारों से किराया नहीं ले रहे हैं, मकान मालिक फैक्ट्री वाले मजदूरों को बिना काम के वेतन दे रहे हैं, किंतु ये लोग पैसा वसूल रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म आना चाहिए। बेचारा गरीब आदमी इस समय परेशान है। देखिए, ये पुलिस वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब केवल बैठे हैं, इनको सबको पता है कि वसूली होती है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। या तो देखिए, यहाँ से मात्र ये गंगा बैराज गुरुदेव वाली रोड मात्र मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे है ये। और देखिए, यहाँ पे ये सारे लड़के आगे बैठे हुए हैं, ये दोनों गाड़ियाँ देखिए, एक स्कूटी, दोनों ही स्कूटियाँ हैं ये, इसको एक बाबा जी की स्कूटी है एक, और एक ऐसे, दोनों में ही इनका गैंग रहता है। यहाँ 4-5 लोग बाकायदा रहते हैं इस जगह पे। अब ये रात में 11 बजे के बाद से एक्टिव होते हैं, और सुबह 4 बजे तक एक्टिव रहते हैं। 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये वसूली करते हैं। धनिया कैसे दे रहे भाई? और ये देखिए, यही का एक आदमी ये ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहने सारे सब्जी वालों को एक एक पर्ची देता है, और उससे पैसा लेता है, 30-30, 40-40 रुपए सभी से। ये देखिए, इसने इसको दिया, देखिए इसको पूरा फॉलो कीजिए, देखिए कई लोगों से पैसा लेगा, 10-12 लेंगे चलते हैं ये। अरे नहीं यार, अरे नहीं, मोटा है यार, अच्छे लेने लो, निकाल लो, महंगे यार, कितने लोगे आप बताओगे? 10 के 25। चलो ठीक, जब नहीं देखे उनके बना नहीं लेकर चला। अरे यार, 10 के 4 तो सर, 10 के 4, 5-6 तो दुकान। इतना सुंदर बता रहे थे, मना कर रहे थे, थोड़े दिन बाद मंडी में लगे आपके सड़क पर।
अरे तो रोड मत ना लगा ले पैसा यार, इस समय गरीब आदमी भी चाह रहे हैं। अरे भैया तो 10 रुपए तो लिए जाते। अरे यार इस समय लोग गरीबों को अपने पास से दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, बेचारे मजदूर आदमी तो बताओ। सब लोग कहे जाके बाबा जी से ना कि बाबा जी यार, बाबा जी जमीन के अंदर हुआ ले, मंडी के अंदर की रोड कर लेंगे। दुकान तो लगवाई, ये प्रशासन लगवाया है, बाबा जी थोड़ी लगवाए हैं। वही दूरे दूर लगवाई जा रही। नहीं तो प्रशासन लगवा रहा ना, बेचारे गरीब आदमी सब्जी तक का निकल नहीं पा रहा है। दीदी बार पैसा ले जो नहीं दे तो अरे भैया, लेकिन सुनो यार, नहीं नहीं बाबा जी से जरा ये कहो यार कि इस समय लोग थोड़ा पुण्य कमाओ। नहीं नहीं थोड़ा बाबा जी पुण्य कमाओ यार, कहो चल के ना यहाँ भैया कैसे कोई फायदा नहीं। नहीं रोड में बताओ, बेचारे जिनके घर के बाहर लगाए वो ले लेते हैं। कई तरह के सब लोग कहो चल के, बात बताए चल के, बाबा जी जो मालिक है उनसे कहे चल के एक बार, महंत बताए कोई फायदा नहीं। नहीं तो महंत जी के पास तो पैसा नहीं पहुँचता, उनके पास तो भाई आदत ही आया पहुँचता है। भैया कई तरह के नहीं यार, गलत बात है यार, लेकिन गलत बात है, चार आदमी की कहाँ सुनवाई बताओ। नहीं बेचारे रात रात भर जग रहे हैं, इस समय ऐसी हालत है कि लोगों का निकल नहीं पा रहा, खाने का नहीं निकल पा, बेचारे इतनी मेहनत करके तोड़ के लाते हैं। मतलब बाबा जी का यार एक धर्म का नाम है कि बाबा जी हैं भाई, साधु बाबा हैं, साधु बाबा इसे लूट मचाएंगे कि बताओ आदमी की बद्दुआ निकले, का फायदा। वो बात मैं ठीक है, मगर कम से कम कहे तो चल के बाबा जी से ऊपर देखो भैया, वही चीज कह रहे हैं ले रहे हमारे, चलो चलो हुआ चलो जबरदस्ती। नहीं बोल रहे हो ना, ये झंडा बोल रहे हैं। नहीं खा जाओ अपनी, नहीं नहीं तो रोड में यार, नहीं नहीं सुनो सुनो भाई देखो मंडी, नहीं नहीं मंडी कौरिया, नहीं नहीं यहाँ पैसा मत दिया करो, यहाँ कह देते तुम लोग जो ज्यादा हो, पुलिस को शिकायत करो। कानून कह रहे हैं दूर दूर खड़े हो तुम, चिट्ठिया ले रहे हो नहीं। लेकिन गलत बात है ना, रोड यार प्रशासन ने लगवाया है रोड पे, रोड पे पैसा लेने का कौन सा अधिकार है? अब बेचारे गरीब आदमियों से पैसा ले रहे हो, दूर दूर खड़े हो नहीं। लेकिन 10-10 रुपये की बात नहीं है, बात है आदमी गरीब के पास इस समय खाने का अनाज नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं शिकायत किया करो 100 नंबर पे सीधे जो है भाई, मंडी पे जब लगे मंडी में करो, मंडी में ठीक है भाई, तुम्हारी जगह है वहाँ लगाओ। सिपाही से बैठे चार आदमी चल के कहे चल के, तो कम से कम सिपाही से का हो, माथा पीछे होती हम भी फ्री हुई जान। हाँ माथा नहीं, पैसा महंत जी लेते हैं कि बीच वाले ले लेते हैं सब? नहीं बाबा जी के हम मुंशी हैं। हाँ वो महंत जी के मेन। हाँ और यहाँ तो चौराहे में तो कई ना कहे तो कम से कम दरोगा जी बैठे उठे तो कहे हम भी फ्री उजर माथा पीछे होती हमारी भी। अरे बुना उनका कि चार दिन बाद हुए लगाना है, लेकिन जब हुआ लगावे तब ले, अभी रोड में लेने को तो यार नहीं बनता है भाई। फ्री उजर कम से कम बाबा जी से कहे या दरोगा जी से कहे हम भी फ्री उजर। हाँ नहीं वो मांग रहे थे का? नहीं शाम गलत है भाई, और रोड में पैसा नहीं लेना चाहिए, हम तो कहते हैं यार इस समय एक एक आदमी परेशान है बेचारा, खाने के नहीं, लोग अपनी जेब से दे रहे हैं गरीबों को, तुम लोग बेचारों से पैसा ले रहे हो बताओ। भैया फ्री हो जा, लाइट जल रही हम भी फ्री हो जा, हम ना ये जबरदस्ती ना कर दे तो बाबा जी से बताओ ना कि नहीं दिया करते हैं, बाबा जी वसूले तुम लोग तो यार उनको, बाबा जी वहाँ पुण्य कमा रहे, तुम लोग यहाँ बद्दुआएं कमा रहे हो। भैया चार लोग आते चले हमारे साथ, कम से कम कहे तो हम भी फ्री हो जा। नहीं नहीं यार बाबा जी जाओ चुंगी पर कामना आवन, बाबा जी का कितना पैसा चाहिए हमें भी सुनने को मिल जाए कि भैया चुंगी चुंगी ना करो, हमी ना कर हम भी फिर उजर माथा पीछे हमारी खुदे होती है मिलना हमें थो, लेकिन थोड़ा बाबा जी का कहो यार कि बेचारे जब तक कोरोना चल रहा है जब तक तो बेचारों की मदद करें। एक आदमी कही देगा, एक आदमी और चार लोग कहे गए ज्यादा सही रहा था। बात तुम्हारी सही है, लेकिन बहुत जानना है कि फिर चेले चपाटी कहाँ उनको रहने देंगे, सस्ता मरता उल्टा कितना बेच के जा रहे हैं। वही चीज यार बेचारों को खाने का नहीं हो पा रहा, जा रही है मगर भैया हम भी फ्री हुई जाए, कम से कम हमका कहे कहा तो जाए कि ना उसूली करो तो हम ना कर कहा तो जाए, उन्हें कहीं नहीं रहा हमको तो भेज देते हैं। काली बाबा के पास जाता है पैसा की मांग? काली बाबा नहीं, जो कृपा बाबा है। अच्छा मालिक कृपा बाबा, काली बाबा उनकी मुंशी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, अभी कर रहे काली बाबा।
नहीं लेकिन सब यार इस समय लॉकडाउन तक तो नहीं लेना चाहिए भैया, इस समय बात तो है बाबा जी से, दरोगा जी से बात तो है। कौन चाहेगा दरोगा जी से यार, ये बेचारे वैसे बेचारे बैठे हैं डरे दुख के। अब भैया नहीं कहा जाएगा तो भैया कहा बताएंगे। चलो भाई तुम भी अपना काम करो, अब इन लोगों को इतना अगर ये पढ़े लिखे होते हैं तो फिर क्या था, फिर तो डीएम एसडीएम पास पहुँच जाते हैं। अरे बाबा जी से कहे क्या, बाबा जी का पता नहीं है क्या? हाँ बाबा जी पढ़े, उनका देश का पता नहीं है क्या चल रहा है, कहूँ पेपर पढ़ रहे हैं? अरे अपने घर में बैठे हैं मंदिर में, तुम दिल्ली बता रहे बैठे हैं। ये भी बात सही है इनकी, अपने कमरा में बैठे हैं बाबा जी मंदिर में, करता है क्या कर रहा। हाँ तो सब वाले सब खाने पीने वाले लोग हैं यार, आधे सही बताएं। हम तो ये इस तरीके से देख के ना बाबाओं के ऊपर से मन उठ जाता है साला। इस समय गरीब से गरीब आदमी अपने पास से दो लोगों को खाना खिला रहा है, कुछ कर रहा है, और बताओ यहाँ पर बाबा होके जो है लूट रहे हैं, क्या होगा देश का? भैया खराब लगता है माथा पीछे नहीं नहीं भाई, गरीब आदमी अभी चार घंटे का समय मिला, बिकेगा बिकेगा नहीं, उन्हें पौने दाम में बेच के जाएंगे, मेहनत नहीं निकल पाती है बेचारों की। हम लोगों से कहा तो जाए, हम लोग हमें भी खराब लगता है माथा पीछे डेली होती है। चलो खैर अब कहा करो भाई, तुम भी मुंशी आदमी, अब तुम्हारा भाई काम है वसूली करना, वसूली करो। कही दिया जाए भैया, अगर कही दिया जाए तो आ नहीं सकते। तुम भी लोग अपनी तरफ से कह दो ना कि बाबा जी इस समय लोग दिक्कत में हैं, नहीं दे रहे हैं पैसा, मना कर रहे हैं देने के लिए। भैया हम कही देंगे ये बात, बाबा जी का दूसरे आदमी को भेज दो, ऐसा कम से कम खर्चा मिल के जाता है, दूसरे आदमी को भेज देंगे तुरंत। अच्छा हाँ, ये बात हो जाए कि भैया सड़क पर सब लगाते हैं, ऐसी ऐसी बात है, क्या है उसी नहीं करवा रहे, कम से कम बात हो जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा, पैसा मंदिर की जगह में लेते चलो, हुआ भाई जगह यूज कर रहे हो। दरोगा जी आ रहे हैं, फिर दरोगा जी का कहीं बस। हाँ तो जब दरोगा जी कई दिन कोई नहीं लेगा तो फिर क्या, फिर वही दरोगा जी के पास दोबारा कहो, जब गाड़ी आती है थाने की गाड़ी आती है उनको रोक के कहो कोई डंडा नहीं। वो हमें पता चला था कि हाँ उन्होंने मना किया था, हाँ हम देखे थे, झगड़ा हो रहा था कि भाई रोड में उनकी जमीन है, उनके सामने जमीन, यहाँ तक मंदिर का कोई वो थोड़ी ना है। नहीं जब थाने की जीप निकला करे तब रोक के अपनी समस्या बताया करो ना। इस समय थाने वाले भी लोग सब गरीबों की मदद कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, पुलिस उतना नहीं रह गई है जो पहले जितने थी, और क्या बताओ। अब पुलिस मदद करती है, लेकिन जब पुलिस को बताओगे तब तो पुलिस जानेगी, और क्या, बिना बताओगे नहीं पुलिस को क्या पता कि वसूली कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। बताओ कि साहब यहाँ वसूली हो रही है, नहीं हो पाता, हमारा खर्चा नहीं निकल पा रहा है, तब तो पुलिस मानेगी। चार लोग चले दरोगा जी वहाँ बैठे, अरे दरोगा जी कहाँ हुई है, सिपाही बैठे हुए हैं, सिपाही कर दरोगा जी मंदिर में बैठे हैं कमरे में, कहाँ कमरे में बैठे मंदिर पर, मंदिर के कमरे पे। तो जब दरोगा जी मंदिर के कमरे में बैठेंगे तो दरोगा जी फिर बाबा जी की भाषा बोलेंगे, इनकी कहाँ सुनेंगे, है ना। यहाँ पे अगर वो हो अरे यार रोड वालों से कह लिया करते भैया तुम लोग, रोड वाले वहाँ 20 रुपए दे आए, जबकि पर्ची नहीं दिया है यार। गरीब आदमी समय मर रहा है लॉकडाउन में, तुम लोग जो है और वो करते हो, अभी वही बात वहाँ हो रही है, यहाँ भी वही सही, एक एक आदमी से वसूल रहे हो पैसा, यार थोड़ा शर्म करो, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। वहाँ बाबा जी बैठे हैं, आप उनसे कह दीजिए ये सब बंद करवा दीजिए। अरे यार बाबा जी को सोचना नहीं चाहिए यार, बाबा जी हैं, तुम लोग ऐसा वसूली करते हो सब जगह। दूरी करने के लिए मंडी से बाहर किया गया है, नहीं तो मंडी से बाहर हो गए तब तो रोड में शासन ने लगवा दिया, आप कहे वसूली कर रहे हो। तो रोड में लगवा दिया तो है पैसा नहीं लेगा, तो मंडी में बताओ कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सब बाहर दुकानें इसीलिए लगवाई गई। अरे तो भैया मतलब बाहर लगी वहाँ मंडी की जगह में लगाते तो चलो बाबा जी लेते थे, चार दिन बाद जब सही हो जाएगा तो चार दिन बाद लेना, चार दिन बाद लेना, अभी क्या ले रहे हो बिचारों से, नहीं अभी तो खाने का नहीं, ले तो तुम यार पैसा रहे हो लोगों से, अभी लोगों को खाने का नहीं हो रहा, बिचारों की मेहनत नहीं निकल पा रही है, तुम लोग यार पैसा, हम लोग लेते हैं इन लोगों से। अरे सब तुम लोग हो तो एक ही यार, वो ले रहे हैं इनसे, तुम ले रहे हो गाड़ी वालों से, जो गाड़ी वालों से लेते हैं अपना गाड़ी वालों, नहीं तो सब जा तो एक ही जगह रहा है सारा पैसा।
और देखिए हम ये फिर से चौराहे पे आ गए हैं और देखिए किस तरह से काली बाबा डंडा लिए घूम रहे हैं और यहाँ पे इनके चार पांच लोग, वो स्कूटी वहीं खड़ी हुई है और देखिए चार पांच लोग यहाँ आपस में खड़े हैं। देखिए कैसे ये लोग वसूली कर रहे हैं पैसे, 15 बोले 13 का लगा दिया, 13 में भी नहीं ले रहे हैं, 50। और देखिए कैसे ये लोग बीच तिराहे पे स्कूटी लगाए हम बैठे रहते हैं और वहाँ तीन चार लोग खड़े रहते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है इनका, इनको कोई डर नहीं है। और देखिए ये एक बच्चे भी इनके साथ में लगा रखे हैं और देखिए आगे कैसे वसूली कर रहे हैं। सब इसी तरह के जालीदार वाले भैया, कितने का दे रहा भैया, 5 का कितने का दे रहा? 10 का दही रहेगा भाई। और देखिए ये रिक्शे वाला बिना पैसा दिए जाने लगा, तो देखिए कैसे पीछे से ये डंडा लेकर उसके पीछे पीछे जा रहा है उसको रोकने के लिए। देखिए ये है मेन काली बाबा जो बीच रास्ते में वसूली करता है और कोई नहीं रोकता। चलते चलते अंदर चलो ना, इसे
और सभी से पैसा वसूलते हैं। एक दिन की कमाई इनकी लमसम कम से कम 3-4 हज़ार रुपए है, किंतु इनको शर्म नहीं आती है कि हमेशा वसूलते हैं एक बार चल जाएगा, किंतु इस समय तो इनको गरीबों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये कानपुर के जिला प्रशासन तक पहुँचे, यहाँ के DM महोदय के पास और SP महोदय के पास, ताकि गरीबों को इस मुसीबत के समय में छुटकारा।